पहले से ही हथियारों की भारी कमी से जूझ रहे यूक्रेन को परास्त करने के लिए रूस लंबे समय से उसके हथियारों को चुन चुन कर नष्ट करता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन को उसके पश्चिमी सहयोगियों से मिले कई हथियारों को अब तक नष्ट कर दिया है और काफी हथियारों को उसने जब्त भी कर लिया। रूस ने हाल ही में यूक्रेन से जब्त किए गए हथियारों की अपने यहाँ प्रदर्शनी भी लगाई है, जिसे देखने के लिए काफी भीड़ आ रही है। रूस ने अब तक यूक्रेन को अमेरिका से मिले कई अब्राम टैंक नष्ट कर दिए हैं और अब उसने यूक्रेन को सप्लाई किए गए अन्य अमेरिकी और जर्मन सैन्य हथियारों पर हमला किया है। रूस ने ताजा हमला यूक्रेन को मिले अमेरिकी हिमार्स लॉन्चरों पर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस जंगल में मौजूद यूक्रेन के हिमार्स लॉन्चरों पर नजर गड़ाए हुए था और सटीक हमला करने वाले हथियारों से उन्हें नष्ट कर दिया। इस हमले में 2 हिमार्स लॉन्चर नष्ट हो गए हैं। रिपोर्ट की माने तो रूस ने एक लॉन्चर पर इस्कंदर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से और दूसरे पर टॉर्नेडो एस से हमला किया। इसके अलावा रूसी सेना ने यूक्रेन को जर्मनी से मिले IRIST एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पर भी हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक ड्रोन वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हिमार्स लॉन्चरों और जर्मनी से मिले IRIST एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पर किए गए रूसी हमले को दिखाया गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन के ऐसे सभी सैन्य हथियार जो काफी ताकतवर हैं और रूस को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे सभी यूक्रेनी हथियार रूस के निशाने पर हैं। रूस ने यूक्रेन के जिस हिमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को नष्ट किया है, ये रूस के टॉर्नेडो एस के बराबर क्षमता वाला सैन्य हथियार माना जाता है। बीते कुछ महीनों में यूक्रेन ने काफी बड़े पैमाने पर हिमार्स का उपयोग किया है।